नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल, मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल मूवमेंट तेज होता हुआ नजर आ रहा है। प्रमुख पार्टियों के साथ ही तीसरे विकल्प के तौर पर भी कई पार्टियां अपना दमखम दिखाने मैदान में उतर रही हैं। उसी बीच इंडिया जनशक्ति पार्टी ने 27 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुई प्रेस वार्ता के दौरान इंडिया जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह अंजना ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस दोनों ही सरकारों की सत्ता देख ली, मगर आज के समय में बेरोजगारी के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां असफल साबित हुई हैं, इसलिए पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर सामने आ रही है। देश से बेरोजगारी खत्म करने के मुद्दे पर बात करते हुए ईश्वर सिंह अंजना ने कहा कि पार्टी ट्रस्ट के माध्यम से प्रदेश में कल्याणकारी योजना लॉन्च करने जा रही है, जिसमें करीब 11,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जी, पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे बुलाने पे यहाँ आए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा लिए आपका कीमती समय दिया है। मैं इंडिया जनशक्ति पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश से, और पार्टी अभी आने वाले विधानसभा जो चुनाव है इसमें सभी सीटों पर चुनाव लड़ा रही हैं, और जो इन दोनों से जनता परेशान हो गई है, मामा मांझी की जो सरकार अभी चल रही है इससे जिस तरह से जनता परेशान है, और जिस तरह से आप लोगों को भी अच्छी तरह भलीभांति हो परिचित होंगे आप लोग कि किस तरह से अभी बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या और ये सारा प्रदेश के अंदर चल रहा है, तो जनता की बहुत बड़ी समस्या थी, तीसरे विकल्प की तलाश थी। तो तीसरे विकल्प के तौर पर इंडिया जनशक्ति अब काम करेगी, और हम लोगों ने पार्टी को शुरू करने से पहले कुछ लाभान्वित योजनाएं चालू करी है जो पूरे मध्य प्रदेश में चालू हो रही हैं, और कुछ जगह चालू हो गई हैं, आष्टा, सीहोर, इंदौर, सावेर, यहाँ पे हमारी योजनाएं चल रही है अभी, जिसके तहत हम लोग आम आदमी को जो भी ज़रूरत का सामान है, कीमती राशन होता है जो सभी की ज़रूरत होती है आज की हालत में, वो सभी आधे दामों में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तब आप सपोज़ करें कि कोलगेट आपको मार्केट में अगर 55 रुपये का मिलता है तो हमारे पास 25 या 24 रुपये में हमारे स्टोर से वो मिलेगा, और सीधे सीधे वो जनता को मिलेगा, सीधा फायदा जनता को मिलेगा उसके द्वारा, क्योंकि कोरोना काल में जो स्थिति का सामना जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी निजात हम लोग लाए हैं। और दूसरी बात करें बेरोजगारी की, तो वो भी प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो गई है अभी की। अगर बात करें तो परसों कई मामला देख लीजिए, जिस तरह इंदौर, भोपाल में जो बेरोजगारों के साथ किया गया सरकार द्वारा बहुत ही गलत किया गया, बहुत ही क्रूर काम किया गया, उनको मारना पीटना ये किसी भी सत्ता का सही उपयोग नहीं था। तो हमारे योजना के द्वारा उनको रोजगार दिया जाएगा। अभी हम लोग 11,000 युवाओं को रोजगार का टारगेट लेके चले हैं, और कुछ जगह रोजगार दिया गया है, और आने वाले समय में पूरा 11,000 लोगों को रोजगार हमारे द्वारा दिया जाएगा। जी, हमारी जो ये योजना है जो सस्ते दाम में राशन प्रोवाइड कराने के जो सेंटर हम लोग खोल रहे हैं उन पे प्रत्येक ग्राम में एक एक रोजगार दिया जाएगा, और जिले में 10-10 लोगों को अपॉइंट किया जाएगा जो इस राशन की पूरी क्वालिटी की और जांच करते रहेंगे। जी, जो सामान बाजार में मिलता वही सामान रहेगा, कोई अलग से कोई एडिशनल सामान नहीं है। जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, कोलगेट, क्लोजअप, या आप लोग तेल में फॉर्च्यून यूज़ करते हैं, कृति यूज़ करते हैं, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वही सामान उन स्टोरों पे मिलेगा, और वही आधे दामों में मिलेगा। दिनों में स्टोर खोले जाएंगे, और इन स्टोरों का वैसे तो बहुत बता दूं आप लोगों को, चुनाव से कोई लेना देना नहीं, ये लोग हम लोग जनता से सीधे जुड़ने के लिए एक माध्यम बन के लाए। जी, आपने सही बताया, बहुजन पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन लोगों ने अभी तक पहले कुछ किया नहीं है, हम लोगों ने पहले किया है और फिर जनता के सामने जा रहे हैं। पार्टी का एजेंडा क्या? हमारी पार्टी का एजेंडा है राइट टू रिकॉल लाना, जिसके तहत ये जो अभी मध्य प्रदेश का ही अपन ले लेंगे, जिस तरह से दल बदलू राजनीति हुई है, जो अगर आप देखें तो कुल मिला के जनता के ऊपर ही भार पड़ा है डबल चुनाव का, इस तरह की दल बदलू राजनीति को पूरी तरह से खत्म करने का हमारा मेन मकसद है। आने वाले चुनाव को लेकर हमारी 27 सीटों पर तैयारी पूरी हो चुकी है, और बहुत जल्द आप लोगों के सारे उम्मीदवारों के नाम घोषित करेंगे, क्योंकि हम लोग जो हमारे स्टोर है
वहाँ पे सर्वे कर रहे हैं कि कौन उम्मीदवार पहली पसंद बन रहा है लोगों की, क्योंकि हम लोग ना तो ऐसे व्यक्ति को ला रहे हैं जिसका राजनीतिक से कोई ताल्लुकात है या पुराना राजनीतिक घराना रहा हो, हम आम आदमी या किसान को उठा के ला रहे हैं। घोषणा पत्र में आपके क्या क्या वादे हैं जी? घोषणा पत्र में हमारे ये वादे रहेंगे कि एक तो जो बेरोजगारी उसे बहुत स्तर पर कम किया जाए, जो सरकारी चीज़ें जो प्राइवेटीकरण में जा रही है उसे रोकने का हमारा पहला मकसद है। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा काम ये करेंगे कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के लोगों को ही काम मिलेगा, बाहर के लोगों को नहीं दिया जाएगा। भविष्य में जैसे कभी किसी पार्टी को समर्थन करना हुआ तो करेंगे जी? समर्थन करेंगे सिर्फ, पर हमारे उसके लिए दो शर्तें रहेगी, एक तो राइट टू रिकॉल पे उन्हें काम करना पड़ेगा और दूसरी जो प्राइवेटीकरण में जो दूसरे प्रांतों के लोगों को काम दिया जाता उसे नहीं दिया जाना चाहिए। 11,000 एमपी एमपी अभी 11,000 लोगों को हम एमपी के लिए रोजगार दे रहे हैं और आने वाले समय में इसको बढ़ाएंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।